वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो बनाया था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि 3 साल तक के लिए अगर हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें वो बेस्ट म्यूचुअल फंड का वीडियो बनाया था, जिससे कि आपका जो सरप्लस अमाउंट होता है या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप उस पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को देख सकते हो, मैंने वो पब्लिश किया है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि करीब 3 से 4 साल या फिर 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, 3-4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उनका रिस्क, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ये रिस्क मीटर है, यानी कि आप रिस्क जितना ले सकते हो आपको उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो ये रिटर्न हो गया का, ये रिटर्न हो गया, एक सेकेंड देखिए, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो यानी कि आपको रिटर्न भी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, राइट। अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जो मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो म्यूचुअल फंड वीडियो बताए थे आपको, जो डेट म्यूचुअल फंड बताए थे बेसिकली, कि आप 3 साल के लिए पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, कैपिटल भी आपकी सुरक्षित रहे और आपका उस पर रिटर्न भी मिलते रहे, तो वो इस तरह के रिस्क के लिए वीडियो था। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली होते हैं, इक्विटी, ये कौन से हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि शेयर मार्केट, और ये आपके डेट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम वगैरह और कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं ना, वहाँ पे पैसा लगता है। तो आप लोग अगर रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो और आपका टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर मुख्यतः आपको मैं एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड बता दूंगा, जिसके अंदर यानी कि 4 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और आपके पैसे से पैसा बनेगी बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आप इसे सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे तो आपके लिए मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के मन के अंदर डाउट रहता है कि मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो डिजाइन करूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करूँ तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्ज लेता हूँ, आप मेरे चार्ज जो हैं उसको पे करके आप मेरे से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हैं, नहीं तो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि जब हम 3-4-5 साल के लिए पैसे को लगाने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा भी सेफ रहे, पैसा भी लगभग सेफ रहे, और हमारा टाइम पीरियड चूँकि 3-4-5 साल का है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप रिस्क भी लेना चाहते हैं कि नहीं यार मैं रिस्क लेना चाहता हूँ और मेरे को अपने पैसे से पैसा बनाना है, मुझे अच्छी कैपिटल करनी है और मैं रिस्क भी लेना चाहता हूँ, तो हम इस तरह के केसेस में क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं हाई रिस्क टेकर के लिए कि हम स्मॉल कैप में या मिड कैप में पैसा लगाएं जहां पे हमें 3-4-5 साल के अंदर हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर किसी का देखिए अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, हर किसी का अपना अपना एक गोल होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई 3 साल तक मुझे पैसा डालना है लेकिन मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए और इक्विटी में पैसा डालना है, तो हम वहाँ पे कंसीडर क्या करते हैं, वहाँ पे हम लार्ज कैप इंडेक्स फंड को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि हम अगर बाकी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हर तरह कंपोनेंट होना चाहिए, कंपोनेंट शॉर्ट भी स्मॉल म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, लार्ज भी होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप भी होनी चाहिए, इस तरह म्यूचुअल फंड में हम रख सकते हैं जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो बेसिकली अब ये हाई रिस्क वालों के लिए है, ठीक है ना, पैसे से पैसा जल्दी बनाना चाहते हैं 3-4-5 साल के अंदर, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड है बेसिकली। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन म्यूचुअल फंड पर हम चलते हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उनमें सबसे पहले जो फंड की मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं कोई भी एक ऐप ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ कि किस तरह वो कौन कौन से फंड हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐप्स के लिंक मिलेंगे, आप कोई भी ऐप में लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में यहाँ पे हम आ गए, तो सबसे पहला जो फंड है उसको हम सर्च कर लेते हैं, क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट मिड कैप फंड को सर्च कर लेते हैं, क्वांट मिड कैप फंड मैंने सर्च कर लिया है, इसके अंदर देखेंगे जी मिड कैप, बेसिकली मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये 3 कैटेगरी म्यूचुअल फंड मुख्यतः होते हैं, यानी कि फ्लेक्सी कैप भी होता है हालांकि, है ना, इक्विटी के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, कई सारे व्यूअर्स नए होंगे जो कि इस चीज़ को शायद नहीं जानते होंगे। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों को हम एक रैंकिंग के वाइज भी हम समझ सकते हैं या फिर हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से समझ सकते हैं। जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम होता है वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से लेकर के बीस हज़ार 20K CR के बीच में होता है वो आपके मिड कैप होते हैं, ठीक है।
मिड कैप मतलब मिड कैप वाली कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप मतलब 5000 करोड़ से नीचे का जिनका टर्नओवर होता है उन कंपनियों में पैसा लगता है, ठीक है। लार्ज कैप क्या होती है, जिनका 20K करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है वो आपका लार्ज कैप होती है। या हम रैंकिंग के वाइज समझें तो देखिए, जो स्टार्टिंग की टॉप 100 कंपनीज होती हैं, 1 से लेकर के 100 कंपनीज होती हैं, वो आपकी लार्ज कैप होती हैं। मिड कैप कौन सी होती है भैया, 101 से लेकर के 250 कंपनी होती हैं, वो आपकी मिड कैप में आ जाती हैं। और जो 250 से लेकर के नीचे की कंपनीज होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप के अंदर आ जाती है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वांट मिड कैप कम क्या है आपका, वो वाला म्यूचुअल फंड है जो कि ज़्यादातर आपका जो 65% से ज़्यादा पैसा आपका कहाँ पे लगा हुआ, आपका मिड कैप कंपनीज में पैसा लगा हुआ, ठीक है। इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं तो पिछले 5 साल के अंदर 37.54% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 साल की हम बात कर लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है ना, पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 21.03% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। इसके फंड साइज की बात करेंगे तो देखिए नीचे आप 7953 करोड़ का फंड साइज है, एक्सपेंस रेशियो 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। और ये पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो आप देख लीजिए, 26 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपके सेक्टर आ रहे हैं। और होल्डिंग की बात करेंगे तो ये आपकी होल्डिंग आ रही है, ब्लू वॉल होल्डिंग करती सारी कंपनियों की लिस्ट आ रही है, भैया आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। पिछले एक वीडियो में कमेंट आई थी कि भैया टैक्स के बारे में नहीं बताते हो, तो मैं टैक्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए टैक्स कैसे लगता है। टैक्स लगने के लिए 2 टैक्स होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको टैक्सेस, ठीक है, एग्जिट लोड और टैक्सेस, 2 तरह के टैक्सेस होते हैं आपके पास म्यूचुअल फंड में, क्या 2 तरह टैक्सेस होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो आपको उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि होगा आपका 15%। 1 साल के बाद में पैसा निकालते हो तो जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर अंदर आपने इनकम की है, उसे प्रॉफिट हुआ है, उसको 1 साल को 1 लाख रुपये रिडेम्पशन को, यानी 1 साल की आपको छूट मिलती है 1 लाख रुपये की, उसको निकाल करके आपको उस पर 10% का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वांट मिड कैप फंड हो गया। इसके बाद जो अगला फंड है उसके अंदर आप डाल सकते हैं, जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ठीक है जी। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात हम कर लेते हैं तो इसके अंदर पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो आपका 43.91% का रिटर्न है, 43.91% अपने आप काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। हालांकि ये रिटर्न कौन से हैं, कोविड के दौरान जब मार्केट में गिरावट आई थी उसके बाद में अब का रिटर्न दिखा रहा है, ये काफ़ी हाई रिटर्न है। लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको इतने ही रिटर्न मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। मार्केट कैसा होता है, मार्केट अपने तरीके से चलता है, ठीक है ना, कोई सियोरिटी नहीं होती, लेकिन हमें मिल भी सकते हैं रिटर्न्स। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर हम किसी म्यूचुअल फंड को देखते हैं लंबे समय पीरियड के लिए कि भैया इसका रिटर्न कैसा चल रहा है प्रॉपर। तो पिछले 10 साल का हम देखेंगे तो 20.35% का रिटर्न चल रहा है इसका, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। और इसका जो फंड साइज है आप देखेंगे 21,243 करोड़ का फंड साइज है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है जी। अब इसका देखेंगे, इसके जो 92 स्टॉक्स हैं इसके अंदर आप देखेंगे सारा कुछ कहाँ पे हमारा कितना पैसा लगा हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और अपना एक बिल्डअप कर सकते हैं माइंड का सेटअप कि हाँ भैया हमारा पैसा कहाँ कंपनी जाएगा, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा कहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला जो म्यूचुअल फंड है वो भी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जिसको हम बोलेंगे HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर 28.06% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करेंगे यानी पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 22.75% का इसको इसमें रिटर्न मिला है हमें, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपकी इसकी होल्डिंग देख सकते हैं, भैया हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ है, और इसका जो AUM है काफ़ी बड़ा है, 63,413 करोड़ का AUM है, 0.77% का इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं चौथे म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। उसका नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है ये। इसके अंदर आप देखें पिछले 5 साल के अंदर आपको परफॉर्मेंस इसकी मिली है 21.61% का, और पिछले 10 साल की आप बात करेंगे, देखिए पिछले 10 साल की आप बात करेंगे तो 18.33% का रिटर्न है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। और इसका जो AUM है वो है 23,443 करोड़ का, 0.74% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और जिसकी जब होल्डिंग की बात करेंगे किस किस कंपनी के अंदर पैसा कहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ है तो आप देखेंगे होल्डिंग में आएंगे तो HDFC बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा लगा रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC SN, ब्यू ऑल पर क्लिक करें तो सारी कंपनी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, 76 कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है। तो गाइज इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप
एक तो आपको मैंने बताया क्वांट का मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, ठीक है ना, SBI लार्ज एंड कैपिटल कैप है, और HDFC का मिड कैप है। तो मैंने आपको सारे स्मॉल कैप ना बता करके कुछ मिड कैप भी बताए हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये मेरी रिकमेंडेशन हो सकती है, मेरा एक आइडिया हो सकता है, मेरा विचार हो सकता है। आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि आपको मैंने जो बता दिया आपको उसी को फॉलो करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी बताए आपको, कोई भी बंदा आपको सिखा रहा है, कोई भी चीज़ बता रहा है, आपको थोड़ा बहुत खुद भी सीखना चाहिए जिससे कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ठीक है ना। जब हमारा पैसा है, हम अपने करोड़ों की वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान हम खुद को भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई कि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि फिर भी अगर आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट चाहिए पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए, तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्जेस मैं रखे हूँ, उसको आप पे करके आपका पोर्टफोलियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्वेस्टिंग करते रहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टिंग करते रहिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, बेस्ट ये, बेस्ट वो, बेस्ट, ठीक है ना। कुछ अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके अंदर देखिए पैसा उन लोगों को बनता है जो बेस्ट के पीछे भागते हैं, उनके पैसा नहीं बनता है। मान लीजिए आपने बेस्ट 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 छांट लिए, 5 म्यूचुअल बेस्ट छांट लिए आपने, लेकिन आपने लगातार इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो आप उसके अंदर, तो पैसा नहीं बनेगा ना। लेकिन जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है लगातार, SIP कर रहा है, लमसम कर रहा है, उसकी वेल्थ बन जाती है, और एक लंबे समय तक जो इन्वेस्ट करता है उसी की वेल्थ बनती है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप भी अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।